हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। आज है 28 नवंबर 2019। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फाइंड द करेक्ट फैक्ट अबाउट कार्टोसैट 3। तो ये एक सैटेलाइट का नाम है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है। ये सैटेलाइट क्या करेगी? ये रिमोट सेंसिंग का काम करेगी। रिमोट सेंसिंग क्या होता है जी? मतलब दूर से, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के दूर बाहर से एक यहाँ पे कोई ऑर्बिट होगी जहां से कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम सैटेलाइट है, जो कि ये है। और इस केस में वो कुछ देखना चाहेगी अर्थ की सरफेस पे, कुछ भी देख सकती है कि जैसे कितना एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाइड हैबिटेट्स बने हैं, या फिर कितने एरिया में यहाँ पे वन है या फॉरेस्ट है, या फिर कितने एरिया में यहाँ पे क्या चीज़ है। तो ये सेंस करने की चीज़ों को ये कार्टोसैट सैटेलाइट देखेगी। तो किस बेसिस पे? ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। ये किसके लिए है? रिमोट सेंसिंग के लिए। तो रिमोट सेंसिंग के लिए ये फैक्ट को याद में रखते हुए ऑप्शन को देखिए। तो इसमें पूछा कौन कौन से जो तथ्य हैं सही हैं। तो ऑप्शन वन में दिया हुआ, इट इज़ लॉन्च बाई इसरो। तो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने इसे लॉन्च किया है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये थर्ड वाला, ये थ्री है, ध्यान रखना है। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, कि इस इंडिया लार्जेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। ऐसे मत करना कि सारी सेटेलाइट जितनी छोड़ी है उनमें सबसे बड़ी, ऐसा नहीं है। अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन किस बेसिस पे हो रहा है? रिमोट सेंसिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो GIS एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके बाद फिर इसका यूज होता है। तो रिमोट सेंसिंग और GIS दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और हेल्प करती हैं, कैसे कि किसी लोकेशन के बारे में फाइंड करने के लिए सेटेलाइट के थ्रू। तो ये इफेक्ट बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें कि लार्ज अर्थ ऑब्जर्वेशन की जितनी सेटेलाइट है उनमें सबसे बड़ी है। तीसरा इफेक्ट क्या है इसमें, कि PSLV C-47 जो लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा इसे जो ऑर्बिट है उसमें प्लेस किया गया है। तो ये लॉन्च व्हीकल होता क्या है? लेट्स सी, ये अर्थ है। अर्थ के यहाँ से, पृथ्वी से आप इसको आसमान से बाहर निकालना चाहते हैं और इस वाली ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ यहाँ रखना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए जो व्हीकल का यूज होता है, व्हीकल मतलब वाहन बोलते हैं, जो भी जरूरत होता है उसको ही जो यूज किया गया इस केस में, वो है PSLV C-47। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो ऑप्शन डी इज अ एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो लोकपाल के बारे में आपने सुना होगा, लोकपाल एक्ट आया था, अन्ना आंदोलन आया था, उसके बाद फिर लोकपाल एक्ट को पास किया गया जो कि 2013 का है। इसमें क्या है कि एक लोकपाल की नियुक्ति का आदेश दिया गया, प्लस लोकायुक्त जो होंगे वो स्टेट्स में होंगे, वो क्या करेंगे, वो जो करप्शन से रिलेटेड जितने केस हैं उनमें आप वहाँ अपनी अर्जी दे सकते हैं, देन उसके बाद जो प्रोसेसिंग है स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये क्या है, स्टेटूटरी बॉडी, क्योंकि पार्लियामेंट से पास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जब स्टेटूटरी बॉडी है तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन है वर्तमान में, तो PC घोष हैं, जो इंडिया के फर्स्ट लोकपाल हैं और अभी भी वर्तमान में वही हैं। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी शख्सियत को देखेंगे, ये भी बहुत फेमस हैं, ये शरद अरविंद बोबड़े हैं, ये इंडिया के नए CJI बने, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और ये राजीव महर्षि हैं, ये इंडिया के कैग हैं, कैग मतलब कंट्रोल एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये राजीव कुमार, ये वाइस चेयरमैन है किसके, नीति आयोग के। और चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको इतना फैक्ट याद रखना है। तो ऑप्शन बी इज अ फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोटो ऑफ लोकपाल, जो लोकपाल है उसने क्या किया है, एक अपना मोटो, एक स्लोगन मोटो दिया है, जैसे हर इंस्टीट्यूट का होता है, या फिर किसी भी आप संस्थान में जाएंगे तो वहाँ उनके गेट पे या फिर कहीं भी जो एक ऐसी लोकेशन जहाँ से अधिकतर लोग पास करते हैं, वहाँ पे एक मोटो लिखा रहता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, ये हमारा मोटो। तो ये है उनका लोटो, मा गृध्य कस्य स्विध्यंतम। ये वाला जो अडॉप्ट किया गया वो किस उपनिषद से लिया गया, ये लाइन जो ली गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये लिया गया है ईसावासो उपनिषद, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। और बाकी उपनिषदें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मुंडका उपनिषद, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। इसको आप एक बार गूगल करना, देन आप रियलाइज करेंगे कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो क्वेश्चन जो थ्री है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर, उम्मीद मिशन UMEED मिशन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, इज इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी। यूटी मतलब यूनियन टेरेटरी। अभी कितनी इंडिया में, टोटल 9 है,
7+2 जो बनी है, और अभी सरकार एक बिल ला रही है वो दो यूनियन टेरिटरी को मिलाना चाह रही है, कौन कौन से, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, इन दोनों को मिला देगी तो देन ये एक बन जाएगी तो 8 हो जाएंगी टोटल। ठीक, तो ये वाला किस यूटी में अभी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, गरीबी हटाने के लिए, तो ये किया गया है जे एंड के, जो नया यूटी बना था 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के हटने के बाद। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। और जे एंड के है कहाँ पे, सबको पता है इंडिया के जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये इंडिया देखेंगे आप, लेट्स से मैं थोड़ा सा, ये इंडिया है, यहाँ पे जो मैप है, मैप में ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज जे एंड के वाला रीजन है, जे एंड के इसके ये वाला पोर्शन है, इधर से लद्दाख रीजन पड़ता है, ये वाला लद्दाख पड़ जाता है, और ये वाला रीजन है जो ये वाला जे एंड के हो जाता है। तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर और लद्दाख की कहाँ है, लेह। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ सैटेलाइट संस्कृत चैनल। तो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा वो चैनल, ऐसा एक चैनल बनाने की बात हो रही है एक सरकार के द्वारा, किसके लिए, संस्कृत के लिए और संस्कृति के बढ़ाने के लिए, क्योंकि संस्कृत का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें जो भी उसका लिटरेचर है उसको प्रमोट करने के पर्पज से इसे देखा जा रहा है। तो वो कौन सी सरकार है उसने ऐसा फैसला लिया है, वो सरकार है उत्तराखंड की सरकार। तो ऑप्शन बी इज अ फाइनल आंसर। उत्तराखंड कहाँ पर है, जैसे ही आप यूपी के ऊपर वाले रीजन में जाएंगे, ओके, यहाँ पे जैसे ये दिस इज जे एंड के और ये लद्दाख रीजन, देन दिस वन इज, यहाँ पे पंजाब वाला रीजन आया था, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है वो है उत्तराखंड। ठीक, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड www, आप लगाते हैं किसी वेबसाइट को लिखने से पहले, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको इसकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। तो ये ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी शख्सियत आप देख पा रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, जो कि सीईओ हैं अभी, और इन्होंने इसको इस कॉन्सेप्ट को जनरेट किया था, और लैरी पेज ये कौन है, ये गूगल के, गूगल इन्होंने इन्वेंट किया था शुरुआत में, इनके साथ एक दूसरी शख्सियत से जिनके साथ इन्होंने मिलकर किया था, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके, लैरी पेज के साथ कौन थे वो दूसरी शख्सियत। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, टिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 7, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट ग्वादर सिटी, ग्वादर सिटी कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है, टू विच रीजन ऑफ चाइना, चाइना का कौन सा रीजन है जिससे कनेक्ट करती है वो। तो आप देखेंगे लेट से, ठीक है, आप ऐसे जाएंगे, देन आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि इंडिया के मैप में कि बेसिकली ये चल क्या रहा है, यहाँ से ये पाकिस्तान वाला रीजन है, ये पाकिस्तान का रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पाकिस्तान का एक ग्वादर सिटी है जिसको मैं अभी बोल रहा था ग्वादर, यहाँ से ये स्टार्ट होगा जिसको कि ग्वादर बोल सकते हैं आप, यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता होता ये ऐसे जाएगा, पीओके से क्रॉस करता है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान जो चाइना की जो प्रोविंस है ये वाला रीजन, तो ये वाली रीजन इसमें है सिंजियांग, जिनजियांग बोल सकते हैं प्रोविंस। ठीक, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोहतांग टनल कट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेज। तो वो कौन सी रेंज है जिसके जिसमें से क्रॉस करके जा रही है रोहतांग जो सुरंग बनाई जा रही है। तो आप देखें लेट्स से कि मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ इंडिया के जो ऊपर वाले रीजन में जो रेंजेज हैं उनके बारे में। देखिए यहाँ पर जैसे जाएंगे, दिस इज काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, उसके दूसरे नंबर पर आती है लद्दाख, फिर जस्कर, फिर उसके नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रेट हिमालय, दिस इज ग्रेट हिमालय, उसके नीचे आएगा बीच में मिड हिमालय, और फिर उसके जस्ट नीचे आएगा शिवालिक रीजन जो कि हरिद्वार के आसपास आप देख सकते हो, और जैसे ही आप चंडीगढ़ के ऊपर साइड जाएंगे देन आपको रियलाइज हो जाएगा कि शिवालिक रीजन है। तो अभी किसको क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है पीर पंजाल रेंज, जिसको पीर पंजाल कहाँ पर है, जो ग्रेट हिमालय उसका ही एक रेंज है, जो ग्रेट हिमालय वाला ये रीजन है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे कश्मीर वैली में जाना है, देन क्या करोगे आप, तो इसमें से सुरंग बनाई जा रही है और आगे की कनेक्टिविटी के लिए। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन जर्नलिस्ट अवार्डेड विद इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड है, उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट का नाम था, उनमें से एक इंडियन जर्नलिस्ट है जिसका नाम पूछा गया है, तो वो है नेहा दीक्षित। और इस साल का जो रेमन मैक्सेसे अवार्ड मिले थे उसमें किसका नाम आया था, रवीश कुमार जो कि एनडीटीवी के एक एंकर हैं उनका भी नाम था। तो ऑप्शन जो सी है वो रेमन मैक्सेसे के अवार्ड के लिए है, मैक्सेसे ये कहाँ पर, ये फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है एक फाउंडेशन के साथ मिलके, ठीक है। और ये वाला जो अवार्ड है ये मिला है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये यहाँ रखना कि यहाँ पर ट्विस्ट है थोड़ा, क्योंकि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट जैसे आएगा तो ये एक दूसरी लोकेशन है, और जैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आई तो वो दूसरा इंस्टीट्यूट खोला गया जो कि अभी रिसेंट में खोला गया। तो रेलवे इंस्टीट्यूट है इंडिया का वो तो है वडोदरा में पहला वाला, और जो रेलवे यूनिवर्सिटी भी है, और जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला इंस्टीट्यूट है रेलवे इंस्टीट्यूट का वो है हैदराबाद में, जो कि हैदराबाद किसकी कैपिटल है, ये तेलंगाना की से। ओके, तो इस क्वेश्चन का देखेंगे आप, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर सेटअप है, वो है हैदराबाद में। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 11th क्वेश्चन, नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, श्वेत, इसको एक्चुअली आप देखेंगे जब इंडिया के पास डेफिसिट था किसका, मिल्क प्रोडक्शन का, देन इंडिया ने एक चलाया था वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो उससे इसको लिंक करिए आप लोग, ठीक। तो इसको कब मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे को, ये मनाया जाता है 26 ऑफ नवंबर को। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 12, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपने सुना होगा कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क था पहले, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ जो छत्तीसगढ़ है उसने एक प्रपोजल दिया कि वो उसे टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करना चाह रही है। तो अगर इसे और इसे अप्रूवल मिल गया है, तो अप्रूवल मिलने के साथ ही छत्तीसगढ़ में अब टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो अब तो गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, वो है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, आप इंडिया का मैप देखेंगे तो मैप देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि ये वाला रीजन, दिस इज एमपी, लेट से एमपी के जस्ट ये वाला रीजन है, ये है छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ एमपी में से ही काट के बनाया गया, जो ईस्टर्न पोर्शन है उसका एमपी का, वहां से। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव इंडियाज फर्स्ट क्वालिटी रत्न अवार्ड। तो इंडिया का पहला क्वालिटी रत्न अवार्ड किसने जीता है, वो जीता है सुरेश कृष्ण ने। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एज सच कुछ बताने को है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट विच ईयर एज अ डेडलाइन टू कंप्लीट द इरेडिकेशन ऑफ फिलेरिया इन द कंट्री। तो ये एक डिजीज है, इसको पूरी तरह हटाने के लिए कंट्री से एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एक साल सेट की है, जिसको कि ईयर सेट की है, ठीक है। अब वो कौन सी साल है जिस तक सरकार ने वादा किया है कि हम पूरी तरह फिलेरिया जो डिजीज है उससे उन्मूलन दिला देंगे, तो वो है 2021 तक। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पर्सन एंड इवेंट इन न्यूज जो बने हुए हैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करना है। तो हम ऑप्शन डी से चलते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया सुधीरधर, ये कार्टूनिस्ट हैं जिनका कि अभी देहांत हो गया है, मतलब ये कार्टून बनाया करते थे जो न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं कैरी के उस टाइप के, तो उसके अभी इनका रिसेंट में देहांत हुआ है, आपको इनका नाम याद रखना है। दूसरा भगत सिंह कोश्यारी, ये बहुत न्यूज में चल रहे हैं, ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे गवर्नर का रोल कितना इम्पोर्टेंट रहा है। बी में देखेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं करंट में, लेकिन इनको एक्सटेंशन मिला था 2 साल का, जिसको कि अब वहाँ के हाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रद्द कर दिया है कि नहीं, इनको नहीं और दूसरा कोई आर्मी चीफ बनना चाहिए, तो ये इसलिए न्यूज़ में है। और एक ये महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस,
उसमें क्या है, किसी भी एक ब्रीफ स्टोरी बताता हूँ कि चार पार्टियां हैं, चार पार्टियां जो कि इलेक्शन हुए वहां पर, उसमें चार पार्टियों को बहुमत मिला, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला, उसके बाद शिवसेना को मिला, उसके बाद एनसीपी को मिला, फिर उसके बाद कांग्रेस को, ऐसे करके, ठीक है। ये सीटें मिली उनको, 54, 56, 105 और 44, ये सीटें मिली। किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, तो बीजेपी ने पहले ट्राई किया, क्या किया कि चूंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट अभी एनडीए की है, तो एनडीए ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगाया। देन फिर इन तीनों पार्टियों ने, शिवसेना, एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस ने मिलकर क्या किया, इन्होंने गठबंधन बनाने की कोशिश की और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम निकाला जिस पे कि इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि रातों रात एक सरकार बन गई जिसमें कि एनसीपी के आधे आधे नहीं, कुछ विधायक टूट के, जो कि अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं, किसके, शरद पवार के भतीजे हैं, वो पार्टी के कुछ एमएलए तोड़ ले गए और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। सरकार सुबह जैसे ही लोग जागे तो लोगों को पता चला कि सीएम बन चुके हैं और डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं। जब डेप्यूटी सीएम बने, उसमें फडणवीस साहब, देवेंद्र फडणवीस, और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार। लेकिन एनसीपी ने इसे कबूल नहीं किया, तो एनसीपी ने जब कबूल नहीं किया, फिर ये तीनों पार्टियां जो कि शिवसेना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी, ये तीनों कहाँ चले गए, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फ्लोर टेस्ट के लिए ने बोला, तो जैसे ही फ्लोर टेस्ट का दिन आया, उससे पहले ही सीएम और डिप्टी सीएम मतलब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। अब सरकार बनाने की बारी इन तीनों पार्टियों के पास है, एसएस प्लस आईएन, आईएनसी प्लस एनसीपी। अब इसमें इन्होंने डिक्लेयर किया है कि उद्धव ठाकरे इनके सीएम रहेंगे। तो ये है एक ब्रीफ स्टोरी इसकी, ओके। तो ये है अभी तक के न्यूज़ में जो बनी रही हैं चीज़ें। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे डाउटनट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल, जो गवर्नमेंट एग्जाम चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें। थैंक यू।